बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और स्पेशल सी कच्चे कीमे के कबाब वाली कड़ी। तो सबसे पहले हम कड़ी तैयार करेंगे। तो कड़ी बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, दही लिया है हमने 1.5 किलो और बेसन लिया है हमने 1.5 पाव, प्याज लिया है 1 पाव, आधा हम तड़के में इस्तेमाल करेंगे और आधा जब कड़ी पक जाए तब उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। मोटा मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया लिया है हमने 1 आने का चम्मच और ज़ीरा लिया है हमने 1 आने का चम्मच। कड़ी पत्ता है हमारे पास 1, पिसी हुई लाल मिर्च है हमारे पास 1 आने का चम्मच और हल्दी लिया है हमने 1 चाय का चम्मच और नमक लिया है हमने 1 आने का चम्मच। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। कुटा हुआ अदरक लिया है हमने 1 आने का चम्मच और कुटा हुआ लहसुन लिया है हमने 1.5 आने का चम्मच। कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें 2 आने के चम्मच, बारीक कटा हुआ धनिया लिया है हमने 2 आने के चम्मच और सब्ज़ मिर्चें हैं हमारे पास 8 से 9 और ऑयल लेंगे हम छोटा 1/2 कप। तो अब हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले एक बाउल लेंगे और उसके अंदर दही डालेंगे और उसको हैंड बीटर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए दही हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम बेसन डालेंगे। बेसन को हमने सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते जाएंगे। तो बेसन हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करते जाएंगे। तो ये बेसन और दही हमारा तैयार हो चुका है। अब इसको हम साइड पे करेंगे और इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। तो अब एक पतीला लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। और अब इसके अंदर डालेंगे प्याज। तो प्याज हमारे पास था 1 पाव, आधा पाव हम तड़के में डालेंगे और आधा पाव जब कड़ी आधी पक जाए तो तब उसमें डालेंगे। प्याज को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। तो ये देखें प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर कुटा हुआ लहसुन डालेंगे। इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटा हुआ अदरक। हल्का सा इसको हमने फ्राई कर लेना है। अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि जब नमक और मिर्च डालें तो वो जले ना। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी और नमक और साथ इसके डालेंगे करी पत्ता। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है।
अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे। तो तड़का अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मिक्स किया हुआ बेसन और दही डाल देंगे। कढ़ी के अंदर तकरीबन 4 से 5 लीटर पानी डालना है ताकि ये अच्छी तरह से पके, क्योंकि कढ़ी जितनी ज़्यादा पकेगी वो उतनी ही मज़े की बनेगी। फुल आंच पे हम इसको बॉयल करेंगे और जब इसको बॉयल आ जाए फिर हम इसका चूल्हा स्लो कर देंगे। तो ये देखिए इसको बॉयल आना शुरू हो चुका है। आंच को बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको आहिस्ता आहिस्ता पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक ये पक रही है हम दूसरी तरफ इसके लिए कबाब तैयार करेंगे। तो कबाब तैयार करने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, बीफ का गोश्त लिया हमने 1 किलो और इसमें फैट लिया हमने यानी कि चर्बी 100 ग्राम। कुटा हुआ अदरक लिया हमने 1 खाने का चम्मच और कुटा हुआ लहसुन लिया हमने 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं हमारे पास 2 खाने के चम्मच और बारीक कटा हुआ धनिया लिया हमने 3 खाने के चम्मच। कटा हुआ प्याज है हमारे पास 1/2 पाव। बेसन है हमारे पास 3 खाने के चम्मच। इसको हमने पैन में हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि ये कच्चा ना रहे। और ये गरम मसाला है हमारे पास 2 खाने के चम्मच। इसमें हमने 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया, इन तीनों चीज़ों को हमने हल्का सा रोस्ट किया और फिर उसके बाद पीस लिया। पिसी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1 चाय का चम्मच और कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1 चाय का चम्मच। नमक लिया है हमने 1 खाने का चम्मच। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो चॉपर के अंदर सबसे पहले हम बीफ का गोश्त डालेंगे। गोश्त हमारे पास ज़्यादा है इसलिए हम इसको 2 हिस्सों में करके चॉप करेंगे। अब इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी फैट। अब इसके अंदर हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। बेसन डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, नमक, कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें और धनिया। अब इसके अंदर डालेंगे प्याज और अब इसके अंदर जाएगा कुटा हुआ लहसुन और अदरक और इसको अब हम अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। तो ये देखें कीमा बहुत ही अच्छी तरह से चॉप हो चुका है। इसको हम एक बाउल में निकाल लेंगे और बाकी का बचा हुआ भी इसी तरह से चॉप कर लेंगे। तो कीमा सारा चॉप हो चुका है और कढ़ी भी हमारी आधी पक चुकी है। अब इसके अंदर हम कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें डालेंगे।
खुश्क धनिया और ज़ीरा डालेंगे। और प्याज डालेंगे जो कि हमने पहले बचा के रखा हुआ था। अब इसको हमने तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे ऐसे ही पकने के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे के बाद कढ़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फिर इसको हम ज़ीरे का और साबुत लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। तो कढ़ी पक चुकी है। अब एक पैन लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म होने लगे तब इसके अंदर हम साबुत लाल मिर्चें डालेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई होने लगे तब इसके अंदर ज़ीरा डालेंगे। तो तड़का हमारा तैयार हो चुका है, इसको हम कढ़ी में डाल देंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे साबुत हरी मिर्चें। और कटा हुआ धनिया डालेंगे। और अब इनको मिक्स करेंगे। तो कढ़ी पक के तैयार हो चुकी है। इसको हम कवर करेंगे और साइड पे कर देंगे और इसके लिए कबाब तैयार करेंगे। एक प्लास्टिक शीट लेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर कबाब तैयार करेंगे। अब थोड़ा सा कीमा लेंगे, इसका बॉल बनाएंगे और इसको हल्का सा हाथ से प्रेस करके इसको शीट के ऊपर रखेंगे और इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। तो ये देखिए कितना गोल सा कबाब हमारा तैयार हो चुका है। इसको हम साइड पे करेंगे और बाकी के भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए कबाब सारे तैयार हो चुके हैं, इनको अब हम फ्राई करेंगे। तो अब एक पैन लेंगे, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं डालना और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आहिस्ता आहिस्ता से कबाब रखते जाएंगे। तो जब ये एक तरफ से पक जाए इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे। अब इनको हम साइड पे कर लेंगे और बाकी की जगह पे भी इसी तरह से कबाब रखते जाएंगे। हल्का हल्का सा ऊपर से इनको हम प्रेस करेंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। तो जो हमने पहले चार कबाब डाले थे वो तैयार हो चुके हैं। इनको हम प्लेट में निकाल लेंगे और बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे।
तो ये देखिए कबाब हमारे सारे तैयार हो चुके हैं और थोड़े से हमने बेसन के पकौड़े भी तैयार किए हैं। अब एक बॉल के अंदर कबाब डालेंगे और दूसरे बॉल के अंदर पकौड़े डालेंगे। अब हम दो बॉल के अंदर कढ़ी डालेंगे, एक में हम कबाब डालेंगे और दूसरे बॉल में हम बेसन के पकौड़े डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह हम एक में बेसन के पकौड़े डालेंगे और अब हम दूसरे में कबाब डालेंगे। तो ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब वाली कढ़ी और ये बेसन के पकौड़ों वाली कढ़ी हमारी तैयार हो चुकी है। इसको आप बॉयल राइस के साथ खाएं या रोटी के साथ खाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़ा आएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो घर पे ज़रूर ट्राई करें, दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में बताएं। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि हर नई वीडियो आने वाली आपको सबसे पहले मिले। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।